खाने के साथ रायता हो तो उसकी क्या बात है। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं झटपट बनने वाला रायता, जो लौकी के रायते के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमने लौकी को छील लिया है और इसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें लौकी को उबालना है। यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है, अब हम इस लौकी को उबालेंगे। करीबन आपको ये 5 मिनट, लौकी को 5 मिनट उबालना है। यहाँ पे जो हमने जार लिया हुआ है उसमें हमने पुनः जीरा को पीसा हुआ था, इसलिए हमने इस दही को इसमें हम इस जार में डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से अब हमने फेंट लिया है। अब हम इस मिक्सिंग बाउल में डाल रहे हैं। अब हमने जो लौकी थी उसको उबाल लिया है। अब इस दही के अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पे जो लौकी का रायता है वो बहुत ही सेहत से भरपूर है, बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ पे अब हम एक मिक्सर की सहायता से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर हम बाकी के मसाले डालते हैं। यहाँ पे हमने रायता मसाला नहीं ऐड किया है, आप चाहें तो मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च को डाला है और यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हमने भुना जीरा इस्तेमाल किया है और आप चाहे तो यहाँ पे जो रायते का मसाला आता है उसको भी मिला सकते हैं। यहाँ पे रायते में आप काले नमक को ज़रूर मिलाएं। यहाँ में करीबन 1 टीस्पून हमने काले नमक का इस्तेमाल किया है और अब हम एक रेगुलर नमक का हम इस्तेमाल करेंगे। टरन नमक का भी आप इस्तेमाल अच्छे से करिए, जितना कि आप के स्वाद के अनुसार हो। यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ मिला ली है, अब हम इसको फेटेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हमें डाले हैं वो एकदम मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हमने पुदीने को भी ऐड किया है, अगर आप चाहें तो सूखे पुदीने को भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने सर्व किया है आलू बैंगन के सब्जी के साथ, रायते के साथ और रोटी के साथ। आलू बैंगन की सब्जी की हमने वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद हमारी आलू बैंगन की सब्जी को ज़रूर देखिए और अच्छे कमेंट करके हमें बताइए, फीडबैक दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।